हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 9 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में हमें दिया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमें दिया है 3 + √3 × 2 + √2। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को पूरी तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम ले लेते हैं ये 3 से हम पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 3 × 2 + √2। ठीक है, ये एक 3 से मैंने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, प्लस की साइन है तो बीच में प्लस की साइन आएगी। अब √3 से भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर सीधा मल्टीप्लीकेशन होगा, 3 × 2 = 6 प्लस 3 × √2 = 3√2 प्लस √3 × 2 = √3 एंड प्लस √3 और √2 मतलब √6। इससे ज़्यादा और ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि सारी ही टर्म्स अलग अलग हैं। अगर 3√2 के साथ में और कोई √2 वाली टर्म होती तो हम उसे सब्सट्रैक्ट या ऐड कर सकते थे, पर यहाँ पर सारी ही टर्म्स अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो वो उनके बीच में कोई भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें दिया है 3 + √3 और 3 − √3। तो यहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटी है a² - b² की वो लग सकती है, क्योंकि a² - b² ही हमारा a + b, a - b होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि a हमारा ये है, b हमारा ये है, राइट। तो a² - b² मतलब 3² - √3 का स्क्वायर। तो क्या होता है 3 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9 माइनस √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3 = 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3, दैट इज 9 − 3 = 6 जो है हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से बहुत ही इजी था, इसे हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना था ये एक्सप्रेशंस को। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट किया है, इसके फर्दर सब क्वेश्चंस हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट।